5 years, कैसे हैं आप सब? आज हम शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम 750 ग्राम मटन लेंगे, 3 big onions को चॉप कर लिए। ये चना दाल है, चना दाल अराउंड 1 cup है, 100 ग्राम्स। कोरिएंडर को अच्छे से चॉप कर लिए, मिंट को भी एक चॉप कर लिए, अराउंड 15 ग्राम्स है। 15 ग्रीन चिलीज ले लिए, 2 teaspoons गरम मसाला है, यानी कि 10 to 15 grams। अब 10 लहसुन के पॉड्स ले लिए, सॉल्ट है, ये ऑयल फॉर फ्राइंग है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। कुकर में हमने मटन ऐड किया, 750 ग्राम्स मटन, 3 onions चॉप करे हुए, और जो ग्राम दाल है चना दाल वो 100 ग्राम्स हम कुकर में ऐड कर दिए। गार्लिक पॉड्स ऐड करिए, अब थोड़ा सा वाटर डाल के इसको आप फ्लेम पे रख दीजिए। कुकर हमने स्टोव पे रख दिया है, अब अराउंड 6 whistle तक इसको होने दिए, मीट टेंडर होना ज़रूरी। मीट टेंडर हो गया हमारा। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम, अब सॉल्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टर करके ड्राई कर लिए। मीट रेडी लग रहा है, अब देख लेंगे कि हम मीट और इसमें जो दाल है वो टेंडर हुई नहीं हुई। ये देखिए, ये मीट अच्छा से टेंडर हो गया, अब इट्स रेडी टू ग्राइंड। अब एक बार दाल भी चेक कर लेंगे, देखिए दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई। नाउ इट विल बी इजी टू ग्राइंड, अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ये कोरिएंडर और मिंट और ग्रीन चिली सब उसको हम ग्राइंड कर देंगे, अच्छे से पेस्ट बना देंगे। लेकिन ख्याल रखिए कि कोई वाटर नहीं डाले, आप बिल्कुल वैसी ड्राई ग्राइंड करने की कोशिश करिए। चिलीज, कोरिएंडर और मिंट को हम अच्छे से ग्राइंड करिए, इसको डिश आउट कर लीजिए। ये अब मटन और दाल के मिक्सचर को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हम ग्राइंडर में हमारे मटन को अच्छे से ग्राइंड कर लिए। अब ये ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और मिंट का पेस्ट अब इसमें हम मिक्स करेंगे। ये मटन ग्राउंडेड हो गया, ये ग्राइंडेड मटन में कोरिएंडर मिंट और ग्रीन चिलीज का पेस्ट जो था हम इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम इसकी शामी बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथ को ऐसे लगा लीजिए, एक मिक्सचर का छोटा सा एक बॉल बनाइए। ये ट्रेडिशनल शामी का शेप है, इसको ऐसा शेप दे दिए, थोड़ा सा हाथ पे रोल करने से बन जाता है इजीली। ऐसे पूरे बना के आप रेडी कर लीजिए। कुकी कटर से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप काट सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टार शेप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए हार्ट शेप का कुकी कटर से हम रेडी कर लिए। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। बस शामी का मटन, बस एक राउंड बॉल बना लिए, ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गया। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, ऑयल में डिप कर लिए थोड़ा, अगर सही से नहीं बन रहा है। शिकमपुर के लिए हम चॉप्ड अनियन को लेंगे, थोड़ा सा, 1/2 onion काफ़ी है। कोरिएंडर मिंट और ग्रीन चिली चॉप करके हम उसका मिक्सचर यहाँ बना लिए। थोड़ा सा कर्ड और ये लेमन जूस है, 1 lemon का जूस है। थोड़ा सा सॉल्ट और ये ऑयल फॉर फ्राइंग और शिकमपुर बनाने में काम में आता। ये मोल्ड्स है, ये मोल्ड्स भी हम यूज़ करेंगे। अब हम पहले दही के मिक्सचर में दही और चॉप्ड अनियंस ले लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा मिंट कोरिएंडर का मिक्सचर ये बनाएंगे। इसमें एक दो पीसेस ग्रीन चिलीज के बाहर कटे हुए
थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा लेमन का मिक्सचर भी तैयार कर लेंगे। ये चॉप्ड अनियन है, ये लेमन जूस डालेंगे इसमें, 1 लेमन का जूस है, थोड़ा सा सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, मिंट, इसको भी मिक्स कर लिए। ये भी मिक्सचर रेडी है हमारे पास। अब एक थोड़ा सा एक पीस लिए, बहुत हो गया, ऑयल दो, थोड़ा सा ग्राइंडेड ये मीट का, मटन का जो मिक्सचर है हम ये ले लिए। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप को थोड़ा सा एक बोल के वैसे शेप में करके थोड़ा हंग कर ले लिए, बेटर रहता, दही में पानी नहीं होना चाहिए। चलिए ये शिकमपुर तैयार हो गया हमारा, यहाँ साइड में रखते हैं। शिकमपुर हमारा रेडी हो गया, और एक शिकमपुर बनाएंगे हम, ये लेमन वाला। ऑयल से पैट करने से थोड़ा सा हेल्प हो जाता। होल से मत रहने दीजिए, वरना ऑयल में ये लेमन निकल के आया तो फिर एकदम ऑयल उछलने लगता। चलिए एक लेमन का तैयार हो गया। अब हम कोफ्ते बनाएंगे थोड़े से, थोड़ा सा ये ग्राइंडेड मीट लिए और बस ऐसे राउंड करिए। कोफ्ते के बॉल्स रेडी है, बस आपको राउंड बॉल का शेप देना है। थोड़ा ऑयल लिए, एक शामी के गोश में हम शामी बनी, ये कोफ्ते हैं, शिकमपुर है, और भी बहुत कुछ बन सकता है इसमें, आपके इमेजिनेशन पे है क्या क्या बनाना चाहे। आप चाहे तो बर्गर में इसको पैटी बना के यूज करिए। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिए, 1 टेबलस्पून के करीब, इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। चलिए हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें शामी डालेंगे। चेक करते रहिए ब्राउन हुआ या नहीं।
शामें हमारी फ्राई हो गई। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। चिकन को फ्राई करेंगे। कोफ्ते भी फ्राई हो जाएंगे साथ ही। चिकन रोट भी फ्राई हो रहे हैं, कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं, थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। हमें हार्ट्स, ये हमारे कुकी शेप के भी शामिल जो है, हमारे फ्लावर्स और ये डाल देंगे स्टार। चलिए ये भी रेडी हो गए। कुछ और करके शामी शिकमपुर खाने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ट्राई करिए ज़रूर घर पे, और हम कमेंट्स में बताइए कैसा कैसे बने आपके। शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए।